हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। नया पांडे गांव के ग्रामीणों ने ग्राम गीता तिवारी व उनके पति उमेश तिवारी के नेतृत्व में विरोध कर एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें सरकारी स्कूल जाने वाले मार्ग को हरियाणा निवासी रिसोर्ट स्वामी ने ताड़ मार कर बंद कर दिया है, जिससे क्षेत्र के बच्चों को विद्यालय में आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते प्रधानपति उमेश ने कालाढोंगी विधायक बंसीधर भगत को समस्या से अवगत कराया। वहीं विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने को कहा। वहीं नायब तहसीलदार ने रिसोर्ट स्वामी को नोटिस जारी कर उक्त मार्ग से ताड़ मार हटाए जाने को कहा। वहीं इस दौरान प्रधानपति उमेश सहित ग्रामीण मौजूद रहे। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी के भ्रमण कार्यक्रम पर आज जनता जनार्दन द्वारा एक शिकायत की गई कि डिजिटल स्कूल जाने के लिए जो रास्ता पूर्व में बनाया गया है उसके किनारे किसी बिल्डर द्वारा अतिक्रमण करके तारबाड़ की गई है, जिसका मौके पर जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय पटवारी के माध्यम से निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया देखने में यह आया है कि रास्ते पर तारबाड़ जो किया गया है लगभग 55 फीट पर तारबाड़ रास्ते पर किया जाना दिखाई गया, जिसके संबंध में बिल्डर को उसके प्रतिनिधि के माध्यम से नोटिस तामील कराया गया आज, और उसको कल तक के समझ लिया गया कि वो रास्ते को क्लियर कर दें और अग्रिम जांच अपने स्तर से करा के अपनी भूमि का सीमांकन कराए। यदि भूमि राज्य सरकार की पाई जाएगी तो उसके विपरीत विधिवत वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नंबर से चल रही है, उसके बाद चुनाव आ गए थे, चुनाव के बाद अब हम फिर हम इसका लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीच में मैं तहसील में भी गया था, थाना अध्यक्ष महोदय को भी दे दिए, शासन प्रशासन रात दिन हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी आज आप मीडिया के हमारे भाई लोग आप आए हैं, इस आवाज़ को आप ऊपर सरकार तक पहुँचाइए। ये देखिए आपके सामने क्या हो रखा है, तार बाड़ ये सरकारी बोर्ड बना हुआ है, ये पोत दिया है, अपनी बाउंड्री से यहाँ बना दिया है, ऐसे में ये भूमाफिया हम क्या करेंगे। ये हरियाणा के निवासी संदीप आनंद द्वारा हमें बार बार शासन प्रशासन के हाथ जोड़ते जोड़ते हम थके हैं, अब आप हमारी आवाज़ दे दीजिए, नहीं तो इसको हमें अब बाध्य होना पड़ेगा खुद ही तोड़ने।